इसके अनगिनत प्रशंसक हैं। ऐसे चमकदार जीवन को कौन नहीं चाहता, मगर उसे घातक बीमारी का पता चला। आज की राजधानी के समाज में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? यह एक 20 साल से कम उम्र की महिला सैरा है। सैरा का नाम आते ही सबकी तारीफें होती हैं। सैरा की गोरी और नाजुक त्वचा, चमकदार चांदी के बाल और हल्की हरी आँखें हैं। पुरुषों के बीच उसकी काफी प्रशंसा होती है, लेकिन जलने वाली महिलाएं उसे अक्सर नाटकीय बुलाती हैं, मानो सैरा बहुत दिखावा करती है। सैरा भले ही मदद की जरूरत हो, वह किसी पुरुष का हाथ नहीं पकड़ेगी। इससे वह पुरुषों की नजरों में और भी अद्वितीय बनती है। पुरुष उसके हाथ की पिछली ओर किस करके बेहद सम्मानित महसूस करते हैं। आज फिर से सबने सैरा की चर्चा की। एम्पायर लियांडर ने पूछा, क्या सैरा बीमार है? सेवक ने पुष्टि की। लियांडर ने सोचा और फिर सैरा को कुछ फूल भेजने का निर्णय लिया और एक पत्र भी लिखा। पत्र में सारा का ख्याल रखा गया था। सेवक ने कहा, इसे देखकर लगता है कि आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लियांडर ने हल्की मुस्कान दी। तुम क्या कह रहे हो? मैं सबके साथ ऐसा ही हूँ। मैं और सैरा 3 साल की उम्र से एक दूसरे को जानते हैं। अगर इसे कहना है तो वह एक प्यारी बहन की तरह है। दूसरी ओर सैरा के पिता आर्चड्यूक आर्किबाल्ड कुछ कामों की चर्चा कर रहे थे। बड़े भाई विंसेंट ने बताया कि डॉक्टर आ गए हैं। सैरा को फिर से खून की कमी हो रही है। दोनों इस पर ज्यादा चिंतित नहीं थे क्योंकि सैरा की तबीयत नहीं रहती थी। डॉक्टर को बुलाना आम था। दोनों ने काम की बातों पर चर्चा शुरू की। कमरे में डॉक्टर ने सैरा की जांच की। उनका चेहरा खामोश हो गया। सैरा ने एक कमजोर नजर डाली। न जाने आगे क्या होगा। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। साफ था वो अपने पिता के बारे में चिंतित थी। कृपया बताइए। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा, मानो बात कहनी मुश्किल हो। सैरा और उसकी सहायिका भी उलझन में थे। यह क्या मामला है? डॉक्टर ने सिर झुकाया। मैडम, आपको घातक बीमारी है, आप 1 महीने में मर जाएंगी। ये सुनकर सहायिका ने अपना मुंह ढक लिया। सैरा की आंखें बड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हुआ। आप क्या कह रहे हैं? साम्राज्य की सबसे बड़ी सुंदरता, जिसके पास पैसे और शोहरत दोनों हैं, उसे अब घातक बीमारी है और सिर्फ 1 महीना जीने को है। तो उसने इसी क्षण सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। सेड़ा को लाइलाज बीमारी का पता चला। दासी जोर जोर से रोने लगी। मेरी छोटी मालकिन कितनी दयनीय है। 15 वर्षों से सबसे उत्कृष्ट और शुद्ध मरीज का अभिनय कर रही है और अभी भी महारानी नहीं बन सकी। क्या वह अब मर जाएगी? सारा भी अब दिखावा करने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे कुत्सित मामलों में पड़ गई है। पोफी, तुम भी मत बोलो। जब मैं मर रहा हूँ तो तुम क्यों रो रहे हो? पोफी और बुरी तरह से दुखी थी। अब क्या करना चाहिए? सारा बहुत चिंतित महसूस कर रही थी। आखिरकार सिर्फ 1 महीना ही बाकी था। हर मिनट और सेकंड महत्वपूर्ण था। फिर उसे अपने पिता से मिलने की तैयारी करते हुए कहा कि चाचा भी इंतजार कर रहे हैं। रसोई में सारा फिर से बीमार दिखावा कर रही थी, लेकिन सब सारा के अपनी जगह साथ साथ होने के लिए थे। बात करते करते वह रोने लगी। मुझे माफ करना, आपको चिंतित किया। पोफी को लगा उनका दृष्टिकोण सच में डरावना है। भले ही पति जब सारा की छोटी मालिक के जन्म के समय गुजर गए थे, वे हमेशा ठंडे निगाहों से प्यार करते दिखे। देखो मालिको, ये सच कल्पनीय अनुचित, अचबेर ने शांत स्वर में कहा। मैंने सुना है, तो आप क्या करना चाहते हैं? सभी भाई सारा को बहुत अच्छी तरह समझते थे और बिल्कुल जानते थे कि वह कुछ भी नहीं चाहती। इसके बाद सीधे सहानुभूति भरी शिकायतें करने लगे। अंत में जोर देते हुए कहा, भले ही आप खुद नहीं चाहते, लेकिन मिलना सच में अच्छी बात है। यही सारा की शैली है। इस समय सारा ने कहा, मैं सिर्फ एक शांत घर चाहती हूँ। केवल एक दासी और एक परिचारक चाहिए। अगर हर महीने 10 मिलियन सिक्कों का प्रबंध भी हो तो मैं निस्वार्थ मरूंगी। जैसे ही शब्द निकले, अचेबेर का चश्मा गिर गया। कई भाई चौंक गए। सारा ने आंसू भरी आंखों से कहा, और कृपया मेरी बीमारी के बारे में किसी को न बताएं, क्योंकि जांच करने वाले लोग बहुत होंगे। जो चीजें चाहिए थी उन्हें कहने के बाद सारा पको लेकर चली गई। आर्चिबाल्ड का मन ही नहीं लग रहा था। सारा, क्या तुम मुझसे सिर्फ पैसे निकालवाना चाहती हो? कमरे में वापस आकर सारा तुरंत अपने पहले जैसे हो गई। सच में बहुत थकान हो रही थी, भूख लगी थी और रोने का भी मन कर रहा था। सारा अपने शरीर को ठीक रखने के लिए कई सालों से खाने पीने का ख्याल रख रही थी। वैसे भी उसके पास बस 1 महीना ही बचा था, तो क्यों ना आराम से बिताया जाए। सारा ने सीधे पोफी से कुछ स्नैक्स लाने को कहा। सारा खिड़की के बाहर देख रही थी। साइकियाट्रिस्ट ने उसे टर्मिनल इलनेस के बारे में बताया था। ये तो मजाक जैसा है, चलो पोफी की थोड़ी मदद कर दें। सोशल मीडिया की वाइट निगेल, जो फेलिना की अकेली बेटी का किरदार निभाती है, हमेशा आराम करना, सभी की खुशी पाने के लिए उसने 15 साल तक वाइट लिली का किरदार निभाया। अब उसे टर्मिनल इलनेस है और सिर्फ 1 महीना बचेगा। सारा ने तय किया, फालतू की बात करना। इस वक्त सारा आईने में देख रही थी। ठीक है, मुझे मानना होगा, टर्मिनल इलनेस होते हुए भी ये सस्ता है। सुंदर। फिर उसने कपड़े बदल लिए और घर देखने का सोचा। उसके पहले के प्लान के हिसाब से सैलिन को स्पीयर्स ऑफ लोग के पार्टी में जाना था और पोफी ने पूछा, क्या बसाल को बताना चाहिए? सैलिन ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, समय पर एक माफीनामा कार्ड भेज देंगे और बस। पोफी ने फटाफट बताया, आज तो बस लेडीज का गैदरिंग है। तभी सारा को याद आया, स्पीयर्स ऑफ लोग हमेशा उनके साथ फोटो खिंचवाते थे। ये लोग अक्सर शेरलिन के पुरुष को भी बुलाते थे, मतलब जेफरी और जेस्पर भी आएंगे। सारा ने एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी मदद नहीं की, तो मेरी उनसे क्या रिश्तेदारी है? स्पीयर्स ऑफ ने जब भी मुझे तंग किया, ये लोग कभी मदद को नहीं आए, तो इन्हें अपनी समस्या खुद ही सुलझाने दो। आखिरकार कोर्टसी का ख्याल रखना चाहिए ना। फिर दोनों घर देखने निकल गए। दूसरी ओर सारा के पार्टी में न पहुंचने पर सब खुश हो गए। क्या वह बीमार है?
जेफरी और जेस्पर ने सबके सवालों के बीच परेशानी में महसूस किया। अब क्या करें? काले बाल वाला लड़का केट समझ ही नहीं पा रहा था मामला। सारा जी कौन है? उनके डांस पार्टनर भी अजीब थे। पार्टी में आकर मेहमानों का नाम तक नहीं मालूम, ये तो बुनियादी शिष्टाचार है। लेकिन अगर यह कैट्स का परिवार होता तो भी माना जाता। कैट्स परिवार के हरवानेसन प्रतिष्ठित हैं, उनके पास बहुत दौलत और ताकत है। वे पीढ़ियों से केवल एक ही बेटे को बड़ा कराते हैं और वे सीमांत पर रहते हैं। बार राजधानी में देखे, यानी जब वो सभी शादी के योग्य उम्र तक पहुंच चुके थे। महिला को यह एक अच्छा अवसर लगा। सोचने लगी, क्या पता खुद कैश के साथ रिश्ता बन जाए। और कैश भी सैरा से प्यार करता था। यह युवती आखिर है कौन? व्यक्ति मौजूद नहीं था, लेकिन हर कोई उसके बारे में बातें कर रहा था। तस्वीर साफ नहीं थी। सैरा घोड़े पर बैठी गहरी सोच में थी। ओफे ने अचानक पूछा, क्यों नहीं खुलासा कर देते बीमारी का? सैरा ने बताया कि ये बहुत झंझट है, तब काफी लोग पूछताछ करने आ जाएंगे। खुद को उनके सामने मुस्कान बनाए रखना होगा। ओफे हैरान रह गई, क्या आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं? सैरा ने लंबी सांस ली, ऐसा महारानी बनने के लिए किया था, अब इनके पास उन चीजों के लिए वक्त नहीं रहा। सैरा सोच में पड़ गई कि महारानी बनने की चाह क्यों थी? वो महाराज से प्यार करती थी, जब मरना ही है महाराज से प्यार का इजहार क्यों ना करें? सोशलाइट कही जाने वाली उसने कई सालों तक लिली का रोल अदा किया, अब अचानक उसे लाइलाज बीमारी हो गई। अब ये वक्त है सब बिगाड़ने का। सैरा ने घर देखा, वापस अपने बंगले में आ गई। ये सच में परेशान करने वाला है। तीन मकान भी देख लिए, लगने लगा सब गिरने वाले हैं। अब इस हालत में और क्या कर सकते हैं? अभी बंगले पहुंची ही थी कि आर्चिबल्ड ने बुला लिया। इतनी जल्दी में अपने को ढूंढने का प्रयोजन क्या है? लगता है आज की घटनाओं के कारण कुछ बुरा हुआ है। सैरा ने सोचा, शायद पार्टी की लिस्ट में हरवनन का नाम था। पिता उनसे संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन खुद से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कुछ समय बाद खुद मर जाएंगे। सैरा ने पिता की लाइब्रेरी जाने का निर्णय नहीं लिया। नौकर तुरंत चिंतित हो उठा, वो लाइब्रेरी का रास्ता नहीं था। सैरा मुड़कर बोली, चिंता मत करो, मैं रास्ता भटकने नहीं वाली। पिता को बता देना कि मैं मुश्किल में हूँ और बोलना नहीं चाहती। लाइब्रेरी में आर्चिबल्ड को सैरा अजीब लगी। कल फैमिली पार्टी में नहीं देखी, आज पूरा समय खोजने में लगा दिया। ये शायद खुद को सजा देने जैसा नहीं है। अब वो पिता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने उसे प्रेम नहीं किया। अगर प्यार की जरूरत है तो सीधे बोलो ना। सैरा पालतू कुत्ते के साथ खेल रही थी। कुछ दिनों में घर बदलने जा रहे हैं, शायद फिर कभी नहीं देखें। वो फिर बहुत चिंतित थी। आप पूरे दिन अंकल की अनदेखी कर रहे हैं। सैरा परेशान नहीं थी। क्या आप मुझे मार देंगे तो इसे 28 दिन पहले का समझकर चले जाएंगे, लेकिन मिलना तो बनता है। सारा का अपने पिता को समझाने के 30 मिनट का समय मिल पाता है। आर्चिबाल्ड ने सारा को देखकर पहले उसकी सेहत के बारे में पूछा, लेकिन सारा ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा कि उसके न समारोह में शामिल न होने की वजह से परिवार को कुछ समस्याएं उठानी पड़ी। हालांकि उसकी बीमारी की वजह से वह ये सब बताने में हिचकिचा रही थी। सारा ने कहा कि वह बदले की भावना से ऐसा नहीं कर रही थी। ये कहकर सारा जाने का इरादा करने लगी। अचानक आर्चिबाल्ड ने उसे रोकते हुए पूछा, क्या तुम्हें हमारे साथ रहने का मन नहीं करता? सारा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, और फिर चुपचाप चली गई। आर्चिबाल्ड इससे आहत हुए कि उन्हें अब जाकर पता चला कि सारा उसकी माँ मैरी जैसी ही है। आज रात जब वह वापस आएंगे तो देखना होगा कि वह कैसे उसे रोक कर रख पाते हैं। इस बीच सबने मिलकर सारा का पूरा ख्याल रखने का फैसला किया। शाम को आर्चिबाल्ड को सारा का मांग पत्र मिला। वह औरत साम्राज्य की सबसे मोहक सफेद लिली है। इतने सालों तक अच्छा दिखने के लिए उसने अपनी बीमारी को छिपाया। अब जब उसकी बीमारी अंतिम चरण में है, उसने खुद को पूरी तरह से छोड़ देने का निर्णय किया है। सारा एक घर के सामने आ गई थी। बगीचा बहुत सुंदर और परिवहन सुगम था। ये वही घर है जो सारा चाहती थी, लेकिन पोपी बेहद चिंतित थी। हाल ही में एक जोड़े के आत्महत्या के मामले के कारण उन्हें अनुमति नहीं मिली थी। उस जगह में रहना निश्चित ही श्रापित होगा। भूत प्रकट हो जाए तो क्या करेंगे? सारा ने बेफिक्र होकर कहा, मैं भी भूत को देखने की इच्छा रखती हूँ, शायद वह पूर्वज की आत्माएं हों। हॉक तलवार की कहानी के बारे में सुनना भी अच्छा रहेगा। सारा जल्दी ही उस घर में शिफ्ट हो गई। पोपी अपनी छोटी बहन को देखकर बड़ी प्रभावित हुई कि वह कितनी सुंदर हो गई है। शायद अच्छा खाने के कारण यह हो सकता है। सारा ने आईने में देखकर पुकारा, पोपी खोलो, शायद यह अंतिम सुंदरता है जो मौत से पहले प्रकट होती है। आखिरकार आज इजहार करने का सबसे अच्छा दिन है। राजमहल में बॉल डांस हो रहा है। सभी कुलीन लड़कियां सारा की चर्चा में जुटी हुई हैं। केट ने महसूस किया कि उसके कान भी गर्म हो रहे हैं। हाल के दिनों में हर सभा में बस उसी की चर्चा हो रही थी। ये केट को और भी जिज्ञासु बना रहा था कि आखिर वह औरत कौन है। इस समय सारा ने उच्च श्रेणी की पोशाक पहनी थी और सुंदर मेकअप किया था। केट ने सारा का चेहरा देखा और वह वहीं ठहर गई। यह उसके विचार से अलग था। सारा भी उत्सुकतावश उसे देखती रही। वह यहाँ पहली बार थी। क्या वह हेरवानेसन का बड़ा बेटा था? सारा ने तुरंत केट से दूर जाकर एक अन्य कुलीन युवती से बात की, जिन्होंने हाल ही में ऐसी ड्रेस पहन रखी थी जो उसके शरीर को छिपा रही थी। क्या वह गर्भवती थी? उस समय कैल्फा बेशक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आसानी से भांपा जा सकता है, और ये लोग अगर पहले होते तो जरूर पलटवार कर देते, लेकिन अब सामना करने में भी आलस आता है। वैसे भी एक महीने बाद तो हमारी मौत तय है। कैल्फा फिर से पूछ रहे हैं, अचानक कपड़े बदलने का क्या मतलब है? क्या मन में कुछ बदलाव आया है? सैरा मुस्कुराकर कहती है, क्या आपको लग रहा है कि खुद को पत्थर की तरह सख्त बनाकर मैं असहज महसूस कर रही हूँ?
जैसे ही उसने ये कहा सब हैरान रह गए। कैल्फ ने तो सोचा था कि सैरा रो पड़ेगी तो जल्दी से उन्हें ढूंढने लगे। मुझे लगा नई ड्रेस तुम पर बहुत जच रही है, सैरा हंसते हुए कहती है। इन दिनों मौसम थोड़ा ठंडा है, मूर्ता में कंधे दिखाने से सर्दी लग सकती है। ये सुनकर जो लड़कियां कंधे खुले ड्रेस में थीं, वे भी कुछ नहीं कह सकी और सैलेन मुस्कुराते हुए अलविदा कहती हैं। एक शांत जगह पर पहुंचते हैं। ताइजी कुछ कहने ही वाले थे कि महारानी आ पहुंची। जब किसी को जानलेवा बीमारी हो तो उसके पास कम समय ही बचता है, उस समय क्या किया जाए। जाहिर है कि जिसे पसंद करते हैं उसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए। ऐसे समय में महारानी डांस बॉल में पहुंचती है। ताइजी गहरे विचार में डूब जाते हैं। महारानी वो हैं जिन्हें वे आगे चलकर सेवा करेंगे। जब वे बहुत छोटे थे उनके पिता ने उन्हें बताया कि उनका कर्तव्य पीढ़ी दर पीढ़ी राजघराने की। लेकिन काइट्स अब भी सबसे ज्यादा सारा की खिड़की पर खड़ा होकर उसकी नजरों को देख रहा है। काइट्स ने भी सारा की तरफ नजरें घुमा ली। सारा का चेहरा लग रहा था जैसे अभी गायब हो जाएगा। काइट्स की नजर उसी पर टिकी रही। सच में बिना कुछ कहे सारा की तरफ देखना बहुत असभ्य है। काइट्स ने अपना सिर मोड़ा लेकिन पाया कि प्रिंस पहले ही समारोह से जा चुके थे और सारा भी गायब थी। दूसरी तरफ प्रिंस लियोंड्रो ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें मेरी दी हुई जेड इनकेंसेंस मिली है? सारा ने हल्के से सिर झुका लिया। पहले सारा से मिलने के 15 साल बीत चुके थे, लियोंड्रो ने बिना सोचे कहा। वक्त कितना तेजी से गुजरता है। जब सारा से पहली बार मिला था वह महज 3 साल की थी, कितनी प्यारी और नन्ही। उस समय महल में चलते हुए सारा रोई थी और लियोंड्रो ने यह सब देखा। वह सारा के पास जाकर बोला, तुम रास्ता भटक गई हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले चलता हूँ। सारा ने तुरंत प्यार जताया और कहा, बड़े होकर मैं जरूर लियोंड्रो से शादी करूंगी। इसे सुन लियोंड्रो हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, प्रिंस से शादी की बात करने वाली ऐसी बच्ची दूसरी नहीं मिलेगी। सारा का चेहरा अचानक लाल हो गया। 15 साल पहले से ही मैं प्रिंस लियोंड्रो से लगाव रखता हूँ, लियोंड्रो ने कहा। तुम क्या कह रहे हो, मेरे मन में कभी ऐसी कोई बात नहीं आई? सारा ने कोई उत्तर नहीं दिया। सारा ने बस महसूस किया कि कभी न कभी यह बात कहनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अगर आज नहीं तो कभी नहीं कह पाऊंगी। इसके बाद सारा ने लियोनार्डो का हाथ पकड़ लिया लेकिन तुरंत छोड़ भी दिया बिना कुछ कहे। लियोनार्डो ने बिना कुछ कहे खुद से हटाया, सोचते हुए कि यह कैसा अजीब सा एहसास है। आखिरकार सारा ने उसे खुद से अलग महसूस किया। बस 1 महीना ही जिंदा है, एक सफेद कमल के फूल की तरह, और 15 साल पुराना प्रिंस का प्यार। फिर भी प्रिंस का कोई जवाब नहीं मिला। सारा तुरंत वहां से चली गई। एक और की सम्मानीय महिला लीक्यू ने यह सब देखा। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। उच्च वर्ग की अन्य महिला ने पहले अपने भाव प्रकट किए और सामने वाला व्यक्ति भी प्रिंस हो तो यह बड़ी खबर है। ली की सोशलाइट वीकली की मुख्य संपादक है। ज्यादातर वो सोशल स्कैंडल्स पर लेख लिखती है। ली काफी उत्साहित हैं क्योंकि उन्होंने सारा की बड़ी खबरें निकाल ली है। अब किस शीर्षक से लिखना चाहिए? ली बहुत उत्साहित हैं क्योंकि सारा ने कई दिनों से दरवाजा नहीं खोला है। अब चाहे कितना भी रोमांचक रिपोर्ट प्रकाशित हो कोई अचरज नहीं होगा, इस बार बड़ा खुलासा जरूर होगा। दूसरी तरफ प्रिंस प्रांगण में आ गए लेकिन उन्हें वहाँ काफी बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्होंने सारा को देखा और सारा भी मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। ताइजी थोड़ी हैरानी से सलाना को देखता है पर उसकी बहन का मूड अब काफी अच्छा लग रहा है। सलाना को लगता है कि मौत से पहले अपने प्यार का इजहार करना उसके अंतिम इच्छा सूची में शामिल था, इसलिए उसका मूड भी काफी अच्छा है। फिर उसने सामने वाले आदमी के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करने का फैसला किया। सलाना ने धीरे से कहा, कृपया बहुत ज्यादा मत पीना, अगर तुम आज रात बहुत पी लोगे तो कल तुम किसी अनजान औरत के साथ बिस्तर साझा कर रहे होगे। उस समय वह कहेगी कि वह गर्भवती है, भले ही उसका झूठ पकड़ा जाए वह कहेगी कि उसने प्यार के लिए ऐसा किया। सलाना अचानक केट्स के पास पहुंच गई। लेकिन एक बात याद रखना, प्रेम जो आसानी से शुरू होता है वह आसानी से खत्म भी हो सकता है, इसलिए चिंता मत करो और थोड़ा मुस्कुरा दो। सलाना की आवाज़ बहुत नरम है, वह एक मुस्कान का उपयोग करती है ताकि तुम्हारे सच्चे भावनाओं को छिपा सके। सामाजिक दुनिया में मुस्कान एक बड़ा फायदा होती है। इसके बाद उसने केट्स के हाथ से मोमबत्ती ले ली। फिर उसने मुड़कर कहा, बस एक बात याद रखो, तुम राज परिवार के अलावा सबसे मजबूत पक्ष हो, इसलिए जो चाहो वह करो। केट्स को थोड़ा चक्कर आ रहा था, हालांकि उसने पी नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक दृश्य था जिसकी वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। उस औरत को एक गंभीर बीमारी का निष्कर्ष मिला है। उसने निर्णय लिया है कि वह अपनी सफेद लिली की छवि से छुटकारा पाना चाहती है और अपने परिवार के साथ सारे संबंध तोड़ना चाहती है। इस समय ली जिम फिर से पार्टी में लौट आई और कुछ बातें करने के बाद जाने का प्लान बनाने लगी। आखिरकार उसके हाथों में एक बड़ी गॉसिप न्यूज थी। इस समय सलाना भी वापस आ गई। उसके पिता और भाई उसकी काफी चिंता कर रहे थे। ये समय अच्छा बीत रहा था, वह तुमसे मिलने की तैयारी कर रही थी। सलाना ने ठंडे तरीके से कहा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और अब मैं कभी भी स्वैच्छिक नहीं बनूंगी। अब मैं एक बरजाती परिवार की छोटी बहन नहीं हूँ। पिता और भाई एक साथ सोच रहे थे कि अब वह क्या कह रही है। सलाना ने एक बड़ा रहस्य बताया, मैंने अभी एक सम्मानित आदमी से प्यार का इजहार किया है। रॉयल समाज में पहले लड़कियां अपने प्यार का इजहार करती थीं, जो कि बहुत ही निर्लज्ज माना जाता है। हालांकि परिवार के अच्छे नैतिक नियम थे लेकिन मैं अपने प्यार को रोक नहीं सकी। फिर उसने जोर से कहा, इसलिए मुझे फेलनेन परिवार के रिकॉर्ड से हटाना पड़ा। पिता और भाई फिर से चौंक गए। तो उस दिन उसने यही मतलब बताया था, सीधे परिवार से अलग होना क्या सलाना का हमेशा से अच्छा व्यवहार और युवा पहचान एक धोखा था?
अब यही है उसका असली व्यक्तित्व। तीनों भाई इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि उनकी माँ हो। हमने सारा मंदी बातें कहने के बाद सलाना ने सच माफी मांगी। मुझे माफ करना, आपको ऐसी बातें सुननी पड़ी, लेकिन क्या आपको ये सब सुनना पसंद नहीं है? खैर, अब मैं आपसे जा लेती हूँ। सलाना के जाने के बाद मेहमानों ने कहा, आखिरकार उसने किसी पे आगे इजहार किया है? सलाना के अभी काम लोगों की तरह हो जाएगी। फास्ट खड़ा लीजिए, गुस्से से दांत पीस रहा था। सलाना ने गाड़ी में बैठे हुए सोचा कि यह एक बहुत सफल रात थी। उसने तीन अंतिम इच्छाओं की सूची को पूरा किया, सामाजिक दुनिया से निकलना, राजकुमार से अपने प्यार का इजहार करना और समस्या पैदा करने वाले फेलिन एजेंट को चुप कराना। मैं वास्तव में बहुत संतुष्ट हूँ। अगले दिन वो फिर चिल्लाया, आखिर कल रात आपने क्या किया था? सारा फिर भी बेफिक्र रही। उसने पूछा, इसमें क्या है? यद्यपि बोफी बहुत विचलित था, फिर भी उसका पूरा ध्यान सारा पर था। इस स्थिति में अगर फेरनन के लोग सारा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो क्या होगा? सारा ने उसे चिंता नहीं करने को कहा और कहा कि ज्यादा से ज्यादा वो पहले ही चली जाएगी, लेकिन वे लोग हमें परेशान नहीं करेंगे। मैंने इतने वर्षों तक एक निर्दोष छूट के साथ काम किया है जिससे उनके परिवार की छवि में सुधार हुआ है। वैसे भी मेरे पास केवल एक महीना बचा है, आखिरी महीने का खर्च उठाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसी वक्त नौकरानी आकर, जो उनका पहला ग्राहक था जिसे मिले, सोशलाइट ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने लाइलाज बीमारी की पुष्टि की थी। अब उसे खुद को छिपाना नहीं पड़ेगा। इस समय नौकरानी दरवाजे पर आई। सायला ने सीधे कहा कि नहीं मिलेंगी। नौकरानी धीरे धीरे बोली, लेकिन उसने कहा कि वह आदिवासियों में अत्यंत सम्मानित व्यक्ति है और छोटी मालकिन भी उससे मिलने जाएंगी। यह सुनकर सायला ने अपना विचार बदला और मिलने का फैसला किया। बैठक कक्ष में तैयार सायला धीरे धीरे चली। सोचा नहीं था इतनी जल्दी दोबारा मिलेंगे। केजने ने एक आदाब किया, सुप्रभात मैडम। सायला को यह व्यक्ति बहुत रोचक लगा। दोनों ने सोफे पर बैठकर चाय पी। सायला ने बातचीत शुरू की, यह चाय बुरी नहीं है, ये मुझे उपहार में मिला है, मुझे यह बहुत पसंद है, धन्यवाद। केजत का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। आपको पसंद आया, ये मेरी खुशी है। फिर से लंबी खामोशी छा गई। सायला सोच रही थी कि बातचीत का नेतृत्व केजत को देना चाहिए, लेकिन वह कर नहीं सकी। सायला ने सीधे पूछा, क्या कोई खास वजह है जो मुझसे मिलने आए? केजत का चेहरा लाल हो गया और शर्म से कहा, वह कल की व्याख्या के लिए धन्यवाद कहने आए थे। सायला ने थोड़ा सोचकर कहा, ऐसा करने का कोई लाभ नहीं है। कल रात तुम्हारी शराब पी और आज तुम्हारी चाय, इसलिए तुम्हें यह एहसास नहीं होना चाहिए कि तुमने मुझे शर्मिंदा किया। केजत ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मुझे आपसे एक निवेदन है, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। सायला ने तुरंत जवाब नहीं दिया। पहले कई पुरुषों ने उसे दोस्त बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनकी मंशा स्पष्ट होने के कारण उसने सभी को मना कर दिया था। अब ये आदमी क्या चाहता है? सायला ने थोड़ा सा सिर झुकाया, क्या यह ज्यादा समय नहीं लेगा? केजत को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। सायला ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि फूल परिवर्तनशील होते हैं। केजत ने तुरंत फूल की चाय का उल्लेख किया, लेकिन मैडम, सायला फूल नहीं बल्कि हवा है। सायला ने नहीं सोचा था कि वह उसके बारे में इतना बोलेगा। उसके होंठ थोड़े मुस्कुरा उठे, हंसी हंसी, ठीक है, हवा तय करेगी कि तुम मेरे दोस्त बन पाओगे, लेकिन सिर्फ 3 हफ्ते के लिए। केजत थोड़े निराश हो गए। सायला ने धीरे से कहा, यह हवा का परिवर्तन है, क्योंकि मैं भी नहीं जानती कि 3 हफ्ते बाद मेरे दिल में क्या होगा। केजत ने वह पाया जो वह चाहते थे, भले ही यह लंबे समय तक नहीं हो, दोस्ती मिलना भी काफी है, क्योंकि सायला ने पहले ही कह दिया था कि वह पहले से किसी को पसंद करती है। केजत का चेहरा फिर से लाल हो गया, तो सिर्फ मुझे तुम्हारे पास रहने की अनुमति देना ही काफी है। उस महिला ने दसियों साल छिपाया और पहली सच्ची दोस्त बनाई, वह भी जिंदगी के अंत में, और वह केजत के पास है। सेना और कैटस करीब आ गए, लेकिन दोनों को पता नहीं कि अब क्या करना है, क्योंकि वे एक दूसरे के अकेले दोस्त हैं। सेना ने कहा कि उसके कोई दोस्त नहीं है और उसे नहीं पता कि क्या करना है। आज की बात यहीं खत्म करते हैं, अगली बार जब मिलेंगे तो साथ में समय बिताएंगे। कैटस ने सहमति में सिर हिलाया, मैं अपने दोस्तों के साथ स्पष्ट करूंगा कि क्या करना चाहिए। इसके बाद कैट्स चला गया। बाहर जाते वक्त कैट्स थोड़ी परेशान दिख रही थी, जैसे सब कुछ एक पल में बदल गया हो। उसने वास्तव में सेना से दोस्ती कर ली थी, भले ही 3 सप्ताह की समय सीमा कुछ अजीब थी। क्या इसका कोई खास मतलब है? इसी वक्त एक टोपी पहने व्यक्ति ने कैट्स को बुलाया, मेरे पास आपसे कुछ पूछने के लिए है। कैटस ने तुरंत सवाल किया कि वह कौन है। टोपी वाले ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा लग रहा था कि वह अंदर से बाहर आया था। कृपया, क्या सेना ठीक है? कैटस आश्चर्यचकित था, जैसे सीधे नाम लेकर बुलाना थोड़ा अधिक था। क्या सेना आपका कोई करीबी है? कैट्स ने प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोस्तों के बीच क्या करना चाहिए? टोपी वाले व्यक्ति ने धीरे से कहा, आप खरीदारी के लिए या घूमने के लिए जा सकते हैं। कैटस ने सहमति में सिर हिलाया, मैं विचार करूंगा। लेकिन महाराज, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? लियांड्रो ने सोचा कि वह इतनी जल्दी यहाँ आ जाएगा। उसने खुद को शांत रखते हुए अपनी नकली मूंछें हटा दी और कहा, आपकी धारणा सही थी। तो मेरी समस्याओं का समाधान है, कैटस ने कहा। इस पर सेना हंस दी और कहा, नहीं, कुछ भी नहीं है। लियांड्रो अभी भी असहज महसूस कर रहा था। कल रात उसने बिल्कुल भी नहीं सोया था। जैसे ही सेना चली गई, उसकी परछाई उसकी आंखों के सामने थी। हालांकि यह पहली बार नहीं था कि उसे किसी ने प्रस्ताव दिया था, लेकिन कल वह कुछ भी नहीं कह सका। यह स्पष्ट था कि यह एक बहन जैसा प्यार था, लेकिन आप मेरे आभास से पहले क्यों दूर हो गए? लियांड्रो ने सेना से मिलने का फैसला किया। अगले ही पल आकीबेल और सेना के भाई बहन वहां उपस्थित थे।
तुम दोनों मेरी बेटी के दरवाजे के पास क्यों हो? कैटस ने सवालिया नजरों से पूछा। सेना आप में से किसी की नहीं लगती, आकिबिल ने कहा। हम यहाँ उसके लिए आए हैं, उन्होंने जोड़ा। सेना के लिए अजनबी बनना असंभव था। समय के शेष बचे कुछ पलों में वे निश्चित रूप से अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे। पास के एक बड़े पेड़ के पीछे से एक लड़की ने ये सब देखा। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग सेना के दरवाजे के पास क्यों है? इस्मैता, इस महिला में ऐसी क्या बात है जिसने सारे साम्राज्य के पुरुषों को उसके दरवाजे के पास जमा किया है और यहाँ तक कि उसके लिए लड़ाई भी की है? उफेमिया डोर इन सबको पेड़ के पीछे से देख रही थी। ये आखिर क्या हो रहा है? यूफी हुजुए परिवार की इकलौती बेटी थी जिसने बचपन से ही ऐशो आराम में जीवन बिताया था। वह मानती थी कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है, पर उस फंक्शन वाले दिन सेरा की चमक ने उसे पीछे छोड़ दिया। सारे साम्राज्य के पुरुष सेरा की ओर आकर्षित हो गए और क्योंकि यूफी और सेरा ने एक ही रंग के कपड़े पहने थे, लोग उन्हें पहचानने में भ्रमित हो गए। उस फंक्शन की अपमानजनक हार के बाद यूफी सेरा से बहुत नफरत करने लगी। सेरा का जिक्र होते ही वह चिढ़सी जाती थी, साथ ही मन वह सेरा की सौम्यता और खूबसूरती से जलती भी थी। आज एक पागल भूत घूम रहा है, इसलिए यूफी डरती है कि वह सेरा को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वह उसे नजर रखे हुए है। पर सेरा को जरा भी एहसास नहीं कि यूफी यहाँ है। जैसे ही यूफी जाने का मन बनाती है, अचानक सेरा की हवेली के बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। लियांड्रो का दिल धड़क उठता है। क्या सेरा को पता चल गया कि यूफी यहाँ है? लेकिन केयरटेकर सीधे सेरा को नजरअंदाज कर देता है। केयरटेकर यूफी के सामने आता है और विनम्रता से उसे रिसेप्शन रूम में चलने का आग्रह करता है। रिसेप्शन रूम में पहुंचकर सेरा ने शांत स्वर में यूफी का अभिवादन किया। यूफी उसकी सुंदरता से मोहित हो गई, एक शब्द भी नहीं बोल पाती, तुरंत होश में आ जाती है। क्या वह उसकी सुंदरता से अपने दिमाग को धोना चाहती है? वह खुद से सवाल करती है, आखिर मैं यहाँ किस मकसद से आई हूँ? सेरा धीरे से यूफी के पास आकर कहती है, क्या आप मेरी दोस्त बनना चाहेंगे? यूफी का चेहरा लाज से लाल हो जाता है। करीब से देखने पर सेरा बहुत ही खूबसूरत लगती है और उसके शरीर से भीनी भीनी खुशबू आती है। यूफी तुरंत हाँ में जवाब देती है। सेरा मुस्कुराते हुए कहती है, आज मैंने एक पुरुष मित्र बनाया है, इसलिए अब एक महिला मित्र भी बनानी चाहिए। अच्छा लगा आपको यहाँ मेरे